मध्य प्रदेश में मॉनसून का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में राजधानी समेत कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। जानिए कौन कौन से जिले हैं रेड अलर्ट पर। मध्य प्रदेश, जहां मॉनसून ने अपना पूरा जोर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश की राजधानी समेत कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई। वेस्ट एमपी में देखा गया तो फेयरली वाइडस्प्रेड बारिश हुआ। 31 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म दर्ज किया है और 5 स्टेशंस हेवी रेनफॉल रिपोर्ट किया। सबसे ज्यादा बारिश हुआ भिंड डिस्ट्रिक्ट में 78 मिलीमीटर और ईस्ट एमपी में वाइडस्प्रेड बारिश हुआ। 24 डिस्ट्रिक्ट से थंडरस्टॉर्म रिपोर्ट हुआ है। सबसे ज्यादा बारिश हुआ टिकमगढ़ में 230 मिलीमीटर, एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल है। 6 स्टेशन से वेरी हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हो गया, 20 स्टेशन से हेवी रेनफॉल रिपोर्ट हो गया। और तापमान का देखा गया तो वेस्ट एमपी में सबसे अधिकतम तापमान ग्वालियर में रिपोर्ट हुआ 31.6 डिग्री, ईस्ट एमपी में चित्रकूट में 34.7 डिग्री दर्ज किया है। भिंड और टीकमगढ़ में सबसे अधिक वर्षा दर्ज की गई। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर दिव्य सुरेंद्र के अनुसार उत्तर प्रदेश के ऊपर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आने वाले दिनों में रायसेन सागर, सिवनी, मंडला, बालाघाट, मुरैना और भिंड में अत्यधिक बारिश होने का अलर्ट जारी है। साथ ही सभी जिलों में गरज और हल्की बारिश की चेतावनी भी दी गई है। और अभी के सिस्टम के बारे में देखा गया तो मानसून ट्रफ का पोजीशन ऑलमोस्ट कल की सेम पोजीशन में ही है, जैसे ग्वालियर से होके सिद्धी और रांची इस तरफ जा रही है, जो नॉर्थन एमपी से पास हो रही है। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्ट यूपी के ऊपर है और एक शियर सोन भी 22 डिग्री में परसिस्टिंग है। तो ये और ऑफशोर ट्रफ साउथ गुजरात से नॉर्थ केरला तक परसिस्टिंग है। तो ये सिस्टम की वजह से अभी हमने आने वाले दिनों के लिए फोरकास्ट और चेतावनी जारी किया है। और शिवपुरी, अशोकनगर, विदिशा, मुरैना और भिंड ये रीजन में भी आइसोलेटेड भारी बारिश होने का चांसेस है, 6 सेंटीमीटर तक बारिश होने का चांसेस है। और सेंट्रल एमपी में रायसेन और सागर में भी वेरी हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल का चांसेस है। शुक्रवार को खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल, निवाड़ी, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांडुर्ना, टीकमगढ़, सीहोर और रायसेन में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। इन जिलों में अधिक बारिश होने की संभावना है, लेकिन शनिवार से अधिकांश जिलों में बारिश की गतिविधियां कम हो जाएगी। ज्यादातर एक्टिविटी सेंट्रल से साउथ मध्य प्रदेश में रहेंगे, जैसे धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, नर्मदापुरम, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, ये रीजन में मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश होने का चांसेस है। सेम रीजन में हम भारी वर्षा भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऑरेंज कलर अलर्ट खरगोन, खंडवा, हरदा, बैतूल, सीहोर और रायसेन डिस्ट्रिक्ट के लिए दिया और ईस्टर्न एमपी का निवाड़ी और टिकमगढ़ में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और ईस्ट एमपी में देखा गया तो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स जैसे छिंदवाड़ा, शिवनी, बालाघाट और पांडुर्ना में भी ऑरेंज अलर्ट है। अब जानते हैं उन जिलों के बारे में जहां तेज बारिश हो सकती है। मौसम वैज्ञानिक राम भारत नागर के अनुसार राजगढ़, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, बैरागढ़, रायसेन, भीम बेटिका, सांची, श्योपुरकला, दक्षिण ग्वालियर, उत्तरी शिवपुर, कुनो, निवाड़ी, ओरछा, दक्षिण पन्ना, दक्षिण छतरपुर, उत्तरी टीकमगढ़ और कटनी में बिजली के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। एक दिन के बाद 27 में देखा गया तो रेनफॉल एक्टिविटी थोड़ा कम हो रही है। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन तो रहेगा, बारिश का चांसेस है, बट इंटेंसिटी कम हो रही है। मोस्टली ये वेस्ट सेक्टर में जैसे रतलाम, उज्जैन, इंदौर, थार, झाबुआ, ये रीजन में मेनी टू मोस्ट प्लेसेस में बारिश का चांस है। बाकी सब रीजन में देखा गया तो फ्यू टू आइसोलेटेड प्लेसेस में बारिश का चांस है। और थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ हम बारिश का भी चेतावनी दिया है। सो वेस्ट एमपी में देखा गया तो धार, इंदौर, देवास, सीहोर, उज्जैन, रतलाम, ये रीजन में आइसोलेटेड हेवी रेनफॉल का चांसेस रहेंगे। इसके अलावा मुरैना, दतिया, रतनगढ़, भिंड, सागर, दमोह, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, गुना, आगर, अशोकनगर, दक्षिण शिवपुरी, उत्तर ग्वालियर, उत्तरी छतरपुर, उत्तरी पन्ना, दक्षिण टीकमगढ़, सतना, मेहर, उमरिया, नर्मदापुरम, पचमढ़ी, हरदा, विदिशा और उदयगिरी में बिजली के साथ मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही झाबुआ, अलीराजपुर, धार, मांडू, बड़वानी, सखरगोन, महेश्वर, खंडवा, ओमकारेश्वर, इंदौर, देवास, बुरहानपुर,
बैतूल, छत्तरपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, नरसिंहपुर, जबलपुर, भेड़ाघाट, रीवा, मऊगंज, शहडोल, सिवनी, बालाघाट, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर, अमरकंटक, डिंडौरी, मंडला और कान्हा में रात्रि समय हल्की बारिश होने की संभावना है। और ईस्ट में सिवनी, मंडला, डिंडौरी ये रीजन में ही रहेगा, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में लाइट टू मॉडरेट बारिश का चांसेस है। धन्यवाद। मानसून के सक्रिय होने से प्रदेश के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई, जहां बुधवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था, वहीं गुरुवार को यह गिरकर 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। तो ये थी मध्य प्रदेश में हो रही भारी बारिश और मौसम की ताजगी भरी खबरें। अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। लोकल 18 के लिए भोपाल से रितिका तिवारी की रिपोर्ट।